फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक 1 kg का। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी और आसान तरीके की रेसिपी है। और ये जो स्पंज मैंने बनाया है, ये चॉकलेट प्रीमिक्स से बनाया है और देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है। और इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं ना, तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो 1 kg का चॉकलेट केक बना रहे हैं, तो ये गोदरेज वेनिला रेडीमेड प्रीमिक्स चॉकलेट प्रीमिक्स से मैंने इसमें पानी ऐड किया है एंड 1 चम्मच ऑयल ऐड करके बेक किया। मैंने कोई इसेंस का भी नहीं यहाँ यूज किया है। तो आज हम 1 kg का चॉकलेट केक बना रहे हैं और इसे मैंने गैस के ऊपर ही बेक किया है। तो मेरा छोटा चाकू नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ बड़ा लिया है। और अब हम इसे तीनों लेयर्स में कट कर लेते हैं। कुछ कट्स लगाना है फ्रेंड्स, कट नहीं लगाना, कट्स लगाने हैं इस तरीके से साइड से। और फ्रेंड्स, चॉकलेट गनाश की भी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके जरूर देखिएगा। और ये देखिए, मैंने चॉकलेट गनाश भी बना दिया है कुछ इस तरीके का। देखिए, एकदम इस शाइनी गनाश बना है और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा केक आज बनने वाला है। और ये गनाश की रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पहले ऊपर के लेयर में कट लगाया है और नीचे के लेयर में अब हमें यहाँ इस तरीके से कट लगाना है। कट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कट लगाने के बाद आपको इसकी धागे से कटिंग करनी है। डायरेक्टली चाकू से नहीं करिएगा, क्योंकि धागे से कट करने से इजीली निकल जाती है, और ऐसे ही आप चाकू से कट करेंगे तो टेढ़ी मेढ़ी कट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ धागा लिया है, तो इस तरीके से मैंने धागा लिया है। धागे से ना इस तरीके से अंदर के साइड में डाल के यहाँ इस तरीके से खींच लेना है दोनों तरीके से। तो यहाँ सेम इस तरीके से करते जाना है, देखिए इस तरीके से करना है और खींचना है, बस इतना ही करना है। और फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि बहुत लोगों का जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा टूटता है, तो आप डायरेक्टली कट नहीं करना, धागे के साथ कट करना, बहुत ही इजी और अच्छा कट होता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके का देखिए एकदम नीटली और एकदम परफेक्टली कट हुआ है। और चाकू से आप करेंगे ना तो एकदम मतलब कट टेढ़ा मेढ़ा कट हो जाता, अच्छे से नहीं कट होता। तो इस तरीके से आप ये तरीका यूज करके बना सकते हो। तो मैंने यहाँ तीनों लेयर्स में इस तरीके से कट कर लिया है। अब हम इस केक की आइसिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ व्हिपिंग क्रीम बना ली है, ये केक की क्रीम है। और देखिए ये कितनी परफेक्ट तरीके की बनी है, एकदम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही है, एकदम परफेक्ट तरीके की बन के रेडी है। घर बैठे आप बहुत ही इजीली ये क्रीम बनाना सीखोगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाके जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये देखिए कितना थिक और कितनी टाइटनेस में ये बनी है, और इस तरीके से आप क्रीम बना सकते हो। और मेरे लाइव में भी बहुत बार मैंने इसको शेयर किया है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आइसिंग करने के लिए रेडी करते हैं। तो ये व्हिपिंग क्रीम जो है, इसे कौन सा बिटर यूज़ करना चाहिए, कौन सी क्रीम यूज़ करनी चाहिए, चैनल पे वीडियो अपलोड है, जाके ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं हम रेसिपी की ओर। तो मैंने लिया है यहाँ केक बेस 10 इंच का, और यहाँ थोड़ा सा हमें क्रीम लगाना है, क्योंकि हमारा जो केक है वो हिले ना। और जो नीचे वाला स्पंज है उसे हम रखेंगे नीचे, और मतलब बीच में रखना है। अब मैंने लिया है यहाँ शुगर और पानी, यहाँ मैंने शुगर और पानी लिया है और कुछ नहीं लिया फ्रेंड्स। मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ, आपके पास ब्रश नहीं है तो आप चम्मच का भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, शुगर और पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम यहाँ थोड़ा हल्के हाथों से सोक करते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट केक सबका ही फेवरेट होता है, बट हम इस तरीके से शुगर सिर्फ से सोक करेंगे तो हमारा केक का जो स्पंज है वो एकदम सॉफ्ट और मुंह में डालने से घुल जाएगा, इस तरीके का बनता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ सोक कर रही हूँ, एकदम हल्के हल्के हाथों से करना है। तो अब हम क्रीम डालेंगे, और इस तरीके से क्रीम डालना है आपको और अच्छे से स्प्रेड करना है। पैचुला लिया है मैंने, पैचुला कुछ इस तरीके से पकड़ना है, आगे पीछे करते हुए स्प्रेड करना है कुछ इस तरीके से। और फ्रेंड्स, एक ही बार में आता नहीं है केक बनाना, तो आप प्रैक्टिस करिएगा, एकदम परफेक्ट तरीके का केक बनाना सीख जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके हम इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। और ये चॉकलेट केक की रेसिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस तरीके से स्प्रेड कर लिया है मैंने, और अब हम डालेंगे यहाँ चॉकलेट गनाश जो हमने बनाया है, और चैनल पे वीडियो अपलोड भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना शाइनी गनाश ये बना है। तो मैं यहाँ 1 चम्मच इतना डाल रही हूँ, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। तो अच्छे से यहाँ हमें स्प्रेड करना है कुछ
कुछ इस तरीके का, और चॉकलेट केक खाने में बहुत ही यम्मी लगता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके का मैंने थोड़ा सा चॉको चिप्स लिया है। ओके, तो थोड़ा थोड़ा आप चॉको चिप्स ऐड कर सकते हो, टूटी फूटी ऐड कर सकते हो, जो सेकेंड लेयर है वो रखना है। और इसे भी अच्छे से सोक करना है कुछ इस तरीके से, एकदम हल्के हल्के हाथों से। और फ्रेंड्स, आपको चॉकलेट केक हमारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और रेसिपीज की। तो इस तरीके हल्के हल्के हाथों से शुगर सिप कर लिया है। तो अब हम यहाँ और क्रीम डालेंगे। तो क्रीम डाल के इसे अच्छे से आपको स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से आगे पीछे करते हुए इसे अच्छे से क्रीम से कवर करना है। तो फ्रेंड्स, केक के रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। और अब हम यहाँ डालेंगे फिर से एक चम्मच जितना चॉकलेट गनाश। और ये कितना शाइनी बना है आप देख सकते हो। और इस तरीके से गनाश डाल के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है कुछ इस तरीके का। देखिए, इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट केक हर किसी को पसंद होता है, घर में आप बहुत ही इजी तरीके से बना के बच्चों को खिला सकते हैं। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट में बताना, और ऐसे जैसी रेसिपी बता रही हूँ ना वैसे आपको फॉलो करते जाना है। मैंने यहाँ थोड़ी चॉको चिप्स डाला है, और जो थर्ड लेयर है वो इस तरीके से रख देना है। तो इस तरीके से रख के इसे भी अच्छे से शुगर सिप करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम हल्के हाथों से इसे भी आपको पूरी तरीके से शुगर सिप करना है। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट प्रीमिक्स है या रेडीमेड प्रीमिक्स है, इसमें मैंने ओनली पानी और ऑयल का यूज किया है, और इसे गैस के ऊपर ही मैंने बेक किया है, कोई ओटीजी या ओवन का यूज नहीं किया है। वीडियो को मैंने इसलिए एडिट नहीं किया है कि आप अच्छे से वीडियो देख सके, समझ सके, और आपको पूरा समझ में आए क्या होता है। वीडियो एडिट करने से एक एक थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो इस तरीके से थोड़ा गनाश डाला है, और अब हम यहाँ करेंगे इसकी क्रम कोटिंग। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के अच्छे से क्रीम को फैलाते हुए क्रम कोटिंग करना है। और यहाँ थोड़ा थोड़ा मैं क्रीम लूंगी और साइड से लगाते जाऊंगी, इसे बोलते हैं क्रम कोटिंग। तो इस तरीके से आपको क्रीम लगाते जाना है और क्रम कोटिंग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको पूरा क्रम कोटिंग करना है। जो क्रम है, केक का स्पंज है, वो अच्छे से आपको छुपा लेना है, बाद में इसकी फाइनल फिनिशिंग करनी है। डायरेक्टली आपको नहीं यूज करना है क्रीम, और फिनिशिंग थोड़ा थोड़ा क्रीम लेके ही आपको करना है। और अब हमने किया है इसकी क्रम कोटिंग, जहां भी नीचे ऊपर दिखता है तो वहां आपको क्रीम लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लेना है इस तरीके की। तो ये हमारी क्रम कोटिंग बन गई है। तो इस तरीके से हमने पूरी क्रम कोटिंग कर ली है, अब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम ले रही हूँ इस तरीके से, और इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो पहले क्रम कोटिंग मैंने अच्छे तरीके से कर ली है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाते हुए इसकी फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा क्रीम ले रही हूँ इस तरीके से, अच्छे से स्प्रेड करते हुए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्रीम से ही करना है, एक ही बार में ज्यादा लेके नहीं करना है, नहीं तो जो क्रम्स है वो और व्हाइट क्रीम में मिक्स हो जाता है, तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं बनती है। और इस तरीके से आपको आगे पीछे करते हुए, थोड़ा थोड़ा क्रीम लगाते हुए पूरे केक की फिनिशिंग परफेक्ट तरीके से करनी है कुछ इस तरीके से। और जहां भी आपका केक का क्रम दिख रहा है ना, वहां आपको क्रीम से अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और क्रीम लेके। तो यहाँ मैं और क्रीम ले रही हूँ, और यहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। देखिए, आगे पीछे करते हुए इसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर लेना है कुछ इस तरीके का। तो फ्रेंड्स, ये चॉकलेट केक खाने में बहुत ही टेस्टी और यम्मी डिलीशियस बनते हैं, आप जरूर बना के देखिएगा। क्रीम भी रेडीमेड मिलती है, प्रीमिक्स भी रेडीमेड मिल रहा है, तो बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बैठ के बना सकते हो। तो ये जहां भी आपको क्रम दिख रहे हैं ना, उसके ऊपर आप थोड़ा क्रीम लगा सकते हो कुछ इस तरीके से। इससे क्या होता है, आपका जो क्रम है ना, तो ऊपर के साइड में नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, और पैचुला को घुमाना है, टर्न टेबल को घुमाना है, और आपको केक को कवर करना है
कुछ इस तरीके से इसकी फाइनल फिनिशिंग करनी है। और जहाँ भी आपका स्पंज दिख रहा है ना, वहाँ आपको इस तरीके से थोड़ा क्रीम लगा लेना है। और अब हम अंदर के साइड में इसे खींचेंगे और यहाँ थोड़ी क्रीम कम पड़ी है तो वहाँ हम थोड़ी और क्रीम लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपको पूरे केक की फिनिशिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, फिनिशिंग बहुत लोगों की अच्छे से नहीं आती है, तो आप एकदम करते रहेंगे तो एकदम आ जाएगा फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से। प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, एकदम परफेक्ट तरीके की आइसिंग और फिनिशिंग बनके रेडी होती है। तो इस तरीके से मैंने केक को कवर किया है। जो साइड की क्रीम है वो इस तरीके से हाथ से ही निकाल लेनी है अच्छे तरीके से। आपका केक जो टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है तो ऐसे नीचे से पैचुला उठा के और आपको ऐसे उठा के रख देना है, बस सेंटर में रख देना है, आगे पीछे नहीं करना। तो इस तरीके से आपको रखना है। तो मैंने यह स्क्रैपर लिए हैं, जो इस तरीके का स्क्रैपर आते हैं, तो इस तरीके से स्क्रैपर से स्क्रैप करेंगे, एकदम हमारा बेकरी स्टाइल केक बन के रेडी होता है कुछ इस तरीके का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो डेकोरेशन है वो कितनी सुंदर बन के रेडी होती है। तो इस तरीके से मैंने स्क्रैपर का यूज़ किया है। तो मैंने पैचुला लिया है और ये ऊपर ऊपर जो क्रीम आई है इसको अंदर की तरफ इस तरीके से खींचना है। देखिए, ऊपर अच्छे से प्लेन कर लेना है ऐसे राउंड घुमाते हुए। बस हमारी हो गई एकदम परफेक्ट तरीके की फिनिशिंग। तो अब मैंने लिया है चॉकलेट गनाश और अब हम पहले इसके आउटलाइन कर देते हैं। तो मैंने चम्मच से ही आउटलाइन कर रही हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टली डाल रही हूँ, आउटलाइन कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप पाइपिंग बैग का यूज करिएगा, मैं यहाँ चम्मच से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आदत है, नहीं तो आपका केक और क्रीम और ये जो चॉकलेट है वो मिल सकता है, तो मिक्स हो सकता है। तो आप इसका पूरा ध्यान रखते हुए अच्छे से केक को कवर करना है। तो अब यहाँ इस तरीके से गोल 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 घुमाना है, जैसे मैं चम्मच से डाल रही हूँ ना वैसे ही आपको पैपिंग बैग से डालना है। तो ये देखिए, ये गनाश की रेसिपी चैनल पे अपलोड है फ्रेंड्स, आप जरूर देख सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने केक की जो डेकोरेशन है वो कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है बनाना, आप जरूर ट्राई करिएगा। और इस तरीके से मैंने पूरा गनाश को डाल दिया है, जैसे मैंने डाला है ना इसमें वैसे सेम टू सेम आपको पैपिंग बैग में डाल के स्प्रेड करना है। तो मैंने यहाँ लिया है पैचुला और पैचुला से आपको एकदम धीरे से घुमाते हुए इस तरीके से अच्छे से आपको स्प्रेड करना है। देखिए, एकदम धीरे से और दबाना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो जो क्रीम है और गनाश है वो मिक्स हो सकता है। एकदम धीरे से आपको इस तरीके से करना है। और देखिए, एकदम न्यूट्रल जैसे कैसे हम केक कवर करते हैं वैसे चॉकलेट गनाश से हमने केक को कवर किया है। एकदम ब्यूटीफुल हमारा केक लग रहा है, देखिए एकदम टेस्टी यम्मी है ना। तो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है, एकदम यम्मी वाला लुक आ रहा है ना। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं फ्रेंड्स और नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं, कलर कैसे करना है क्रीम को और डेकोरेशन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने 2D नोजल ली है इस तरीके की, ये 2D नोजल है और पैपिंग बैग मैंने इस तरीके से डाल लिया है। और ये जो है ये पिंक कलर है, देख सकते हो ये पिंक कलर है। और अब हम इसमें ऐड करते हैं 2 ड्रॉप इसके, लिक्विड फूड कलर है फ्रेंड्स, आप जेल फूड या लिक्विड फूड कलर का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से 2-3 ड्रॉप आपको डालना है, जितना भी आपको कलर गाढ़ा या पतला चाहिए इस तरीके से आपको कर लेना है, घिस लेना है कलर को। ये आपको क्रीम को कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्रीम इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्रीम डाल लेना है पैपिंग बैग में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको क्रीम को डाल लेना है। पिंक एंड व्हाइट शेड रखेंगे हम। तो यहाँ मैंने क्रीम को कलर नहीं किया है, ओनली पैपिंग बैग को कलर किया है। तो इस तरीके से डाल के अच्छे से खींच लेना है। देखिए कितनी पिंक, गड़द पिंक लग रही है ना। अब मैंने लिया है यहाँ मोदक नोजल, बड़ा वाला मोदक नोजल, और इसमें थोड़ा सा क्रीम डालेंगे हम। तो इस तरीके से 2 क्रीम डाला है और दोनों पैपिंग बैग रेडी कर दिए हैं, मोदक वाला और टूडी वाला।
फ्रेंड्स अब हम डेकोरेशन कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले मैं पैचुला के ऊपर आपको निकाल के दिखाती हूँ फ्लावर। देखिए इसका टेक्सचर व्हाइट एंड पिंक कितना अच्छा आया है और बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स ये। तो अब हम केक के ऊपर बना देते हैं। तो इस तरीके से आपको राउंड करना है बस। देखिए इसका लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा केक का डेकोरेशन बनता है इससे। देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया। इस तरीके से आपको केक की डेकोरेशन कर सकते हो। एकदम लग रहे हैं ना कितने एकदम बेकरी जैसा हमारा केक लग रहा है ना। तो अब हम इसकी आउटलाइन भी कर देते हैं कुछ इस तरीके की। तो आउटलाइन भी बहुत ही सुंदर लगती है, व्हाइट एंड पिंक कितना सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज की चॉकलेट केक की रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में आपकी राय बताना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो इस तरीके से मैंने आउटलाइन कर दी है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ एक एक स्टार्स बना रही हूँ उसी नोजल से। तो फ्रेंड्स नोजल का आपने देखा नहीं होगा वीडियो तो ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए वीडियो। और एक नोजल से आप 10 डिज़ाइन बना सकते हो। तो यहाँ मैंने इस तरीके का स्टार्स बना दिया है, ये देखिए लग रहे हैं एकदम सुंदर। और आपने जो मोदक वाला लिया है इस तरीके का, तो इससे भी हम देखिए मोदक कितने सुंदर बनते हैं, एकदम ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर और सिंपल डिज़ाइन बनाई है मैंने। और इस तरीके से आप साइड में भी दो दो डॉट रख देने हैं। डेकोरेशन में थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस कर सकते हो, जिस आपको जैसे पसंद आता है वैसे। बट ये जो मोदक वाला है और ये टूलिप वाला है नोज़ल, इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारा केक बन के रेडी होता है। देखिए इसका लुक देखिए। तो यहाँ मैं एक एक बीच में भी एक एक स्टार्स निकाल दूंगी। पूरा फ्लावर से हमने केक को भर दिया है और देखिए जो केक का लुक है ना वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। 1 kg परफेक्ट तो चॉकलेट केक की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स बताना। और इसकी जो केक स्पंज है ना, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है कि कैसे बनाना है केक स्पंज, और लाइव में भी आज के लाइव में भी दिखाया है स्पंज कैसे बनाना है। चेरी बिना तो केक ही नहीं, तो चेरी लगाना ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो आप चेरी ज़रूर लगाइएगा केक के ऊपर। केक का जो डेकोरेशन है एकदम उठ के दिखता है और बहुत ही ब्यूटीफुल और यमी लगता है हमारा केक। तो इस तरीके से चेरी से केक को डेकोरेशन ज़रूर करिएगा। लुक देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लग रहा है। और मैंने लिया है यहाँ सिल्वर स्प्रे और ये एडिबल स्प्रे है फ्रेंड्स और ये खाने वाला है। तो फ्रेंड्स इसे आप यूज़ कर सकते हैं और ये थोड़ा सा महंगा है बट केक का हमारा जो लुक है ना वो बहुत ही उठ के दिखता है इससे। तो इस तरीके से आप केक बना के सेल कर सकते हो, ऑर्डर्स ले सकते हो। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके की स्प्रिंकल्स लिए मैंने जो डेकोरेशन के लिए आते हैं, तो इस तरीके से डाल दिया है। और देखिए हमारा केक का जो लुक है ना एकदम उठ के दिख रहा है और एकदम ब्यूटीफुल दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स केक, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपकी राय। और इस तरीके से मैंने स्प्रिंकल्स डाल दिए साइड से और बीच में हम नाम लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे। और इस तरीके से आपको साइड से भी मैंने जो शुगर बाउल से वो डाल दिए जो डेकोरेशन के लिए आते हैं। और ये डेकोरेशन देखिए फ्रेंड्स, फाइनल लुक इसका कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो बर्थडे का केक है तो बर्थडे टैब तो बनता ही है, तो इस तरीके से मैं बर्थडे टैब लगा दूंगी यहाँ बीच में। देखिए फ्रेंड्स केक का लुक, फाइनल लुक कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है।